दोस्तों, आपने बीच या चौपाटी पर चना चाट तो जरूर खाई होगी। तो आइए, चना चाट को आज घर पर बनाकर एंजॉय करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए चना चाट बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और मैं आज आपके लिए चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं चटपटी चना चाट बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चना चाट बनाने के लिए मैंने ये चना लिया है। इसे मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और ये काले चने हैं, ये आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 3 से 4 सीटी ले ली है और इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है और ये 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 छोटी हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 नींबू और ये 2 मीडियम साइज के टमाटर इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, और ये है चाट मसाला, और ये है नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और ये है आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च। तो आइए चटपटी चना चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें हमें ऑयल ज्यादा नहीं लेना है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें बॉईल करे हुए काले चने डाल देंगे। हमें इसे लगातार 1 से 2 मिनट तक भूनना है और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे इस तरह से। और ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और ये काले चने हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें नमक ऐड करें। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे लगातार चलाते हुए इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो थोड़ी लाल मिर्च की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, और अगर बच्चे खा रहे हैं तो इस लाल मिर्च को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसे भी लगातार चलाते रहेंगे और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, नमक और लाल मिर्च अच्छे से काले चने में मिक्स हो गए हैं और मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। और अब हम गैस बंद कर देंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए लाल टमाटर, हरी मिर्च, और ये हरा धनिया। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, और अब इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए, चटपटी चना चाट बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए, मुंबई की स्पेशल चना चाट बनकर बिल्कुल तैयार है।
बहुत ही टेस्टी चना चाट बनकर तैयार हुई है, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।